अंतर्राष्ट्रीय कलाकार राधे श्याम यादव निवासी बड़ौदा कान के पुत्र लोक कलाकार मोहन यदुवंशी पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने लिखित लोकगीत गाकर संगीत के माध्यम से पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई कर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। साथ ही सहकर्मी उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके कार्यक्रम को सराह रहे हैं। यदुवंशी कार्यक्रम के तहत आम जनता को जागरूक कर सोशल डिस्टेंसिंग तथा टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हारमोनियम वादन लोक कलाकार मोहन यदुवंशी उनके साथ ढोलक पर संगत दिनेश सिंह कर रहे हैं। इसी बीच निशा होम केयर अलवर की डायरेक्टर निशा सैनी, जिला अध्यक्ष रुपेश, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया संदीप सोनी, संयुक्त सचिव एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया अलवर इंदर सिंह, साहिल यादव, महेश सैनी, प्रिंस जैन ने पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। जी, मेरा नाम मोहन यदुवंशी है और हम पिछले करीब 6 महीने से जितने भी हमारे योद्धा हैं, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सभी की हम सेवाएं कर रहे हैं। और जैसा कि कहते हैं कि संगीत एक औषधि की तरह है और ये वैज्ञानिक रिसर्च में भी साबित हुआ है कि संगीत जिस जहाँ रहता है, जिसके पास होता है, उसमें बीमारी से भी दूर रखता है और एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यही देखते हुए हमने एक नया एक जरिया सोचा कि हमारे पास जो संगीत है उसके ज़रिए हम सभी जो हमारे चौराहे पर, सर्किल पर जितने भी हमारे जो पुलिस नौजवान हैं, सहकर्मी हैं, सभी सेवाएं कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनका एंटरटेनमेंट करें, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करें। इसी के संदर्भ में सबको देखते हुए हम ये हमारी पहल है और विभिन्न विभिन्न चौराहे पर शहर के सभी जगह जा जा करके हम ये ऐसा कर रहे हैं। लोगों को आप किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? देखिए, लोगों को हम जागरूक इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि नए नए में पिछले करीब ये मान लीजिए कि 5-7 सॉन्ग मैं अब तक खुद लिख चुका हूँ और हर जगह जाने पे एक नया सॉन्ग, जैसे कि मान लीजिए लगभग हमारे अलवर में बहुत सारे सर्किल हैं, चौराहे हैं, वहाँ हम जा रहे हैं तो हर चौराहे के लिए एक अलग सॉन्ग तुरंत मैं लिखता हूँ और लिख करके जनता को जागरूक हम करते हैं। जैसे कि अभी हमने गाया, समझावे पुलिस ना माने जनता लापरवाही ठाने, समझावे पुलिस न माने जनता लापरवाही ठाने, बिना मास्क के घर से निकले पुलिस को ये उलझावे। फिर 2 की 4 लगाते हैं चौराहे पे आके कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता को हम टीकाकरण के लिए उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी टीकाकरण कराइए और अपने परिवार की जान बचाइए। इस तरीके से हम लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। जी ने जो ये मुहिम चला रखी है, नो मास्क नो एंट्री, और मास्क लगा के ही घर से निकलें, इस तरह का प्रोग्राम हर चौराहे पे जो कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सोनी है, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जिला सचिव अलवर से। इस कोरोना के टाइम पे प्रशासन जहाँ अपनी सारी कोशिशें कर रहा है जनता को जागरूक करने के लिए, हमारे जो पुलिस जवान भाई हैं वो चौराहों पर हर तरीके से अपने सेवाएं दे रहे हैं धूप में भी। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो और इस यदुवंशी जी जैसे लोक कलाकार अपने संगीत के थ्रू जनता के अंदर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जनता को संगीत के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, टीकाकरण कितना ज़रूरी है, तो समय पर टीका लगवाएं अपनी बारी आने पर, अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। और जहां बात पुलिस प्रशासन की है तो मैं दिल से उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे पुलिस प्रशासन के सभी जवान विभिन्न चौराहों पर हर तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और अनर्गल बिना वजह घर से ना निकलें और कहीं भी किसी भी पुलिस को धोखा देने की या चकमा देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वो पुलिस को चकमा नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को चकमा दे रहे हैं। मोहन यदुवंशी के द्वारा दिया गया आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि वे मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि कोरोना का दोबारा से इस तरह के जो अब पीछे रूप आया था इस तरह का ना आए, और बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। डायरेक्टर निशा सैनी, ये मोहन यदुवंशी भैया एक सिंगर हैं, इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जैसे थाने में जाकर, मेडिकलों पर जा जाकर, चौराहों पर जा जाकर ये पुलिस वालों को जागरूक कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, और इनका कार्य बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं।